बचपन जी अजय जी बहुत दिन से नहीं दिख रहे, चलिए उनका हाथ चल लेते हैं। चलिए राम राम चाचा। राम राम चाचा। राम राम भैया। राम राम। क्या बात है, बहुत दिनों से काम पे नहीं आ रहे हो? अरे क्या बताए सरपंच जी, बड़े दिन से खांसी खांसी बुखार है। अरे खांसी ही तो है, काढ़ा वाढ़ा पियो ठीक हो जाओगे। जी बहुत दिन से खांसी ओसी है तो एक बार अपने सरकारी अस्पताल में जांच करा लीजिए, कहीं टीबी भी तो नहीं है। दिखाना है तो दिखा लीजिए, टीबी का इलाज होता नहीं है ऐसे। मेरी माता जी को भी हुई थी टीबी, लेकिन वो अंत में चल गए, और इसमें पैसा भी बहुत सारा फूक है। इससे अच्छा होता है कि कहीं बंगाली बाबा के पास दिखा लिए होते, कहीं बच जाती। अरे ऐसा ऐसा मत बोलिए सरपंच जी, अरे वही बिटिया का ब्याह कराना है। राम राम ठीक है, हम चलते हैं। अच्छा राम राम भैया। राम राम, 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 राम। अरे चाचा ये सरपंच वरपंच के चक्कर नहीं पड़ते हैं, कुछ बोलता है। किसी जानकार आदमी से मिलते हैं, हमारे दोस्त का बेटा है एम्स पटना में डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, उसी से बात करते हैं, वो अच्छा राय देगा। हेलो अंकल जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, कैसे हो? हाँ अंकल जी, हम तो बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा एक दिक्कत हो गई थी। जी अंकल जी बताइए। अरे हमारे चाचा जी हैं, उन्हें बहुत दिनों से बहुत खांसी आ रही है। कितने दिनों से आ रही है खांसी चाचा जी? लगभग 30 दिन हो गए। हाँ अंकल जी, खांसी के सिवा कुछ और भी होता है? हाँ बेटा, बलगम भी आता है खांसी के साथ, वजन भी घट गया है और बहुत कमजोरी भी हो गई है। जी बलगम में खून भी आता है क्या? हाँ खून भी कभी कभी आता है। देखिए अंकल जी, ये सब हमें टीबी के लक्षण लग रहे हैं, तो एक बार जो अपने गांव के पास में पीएचसी है ना, वहाँ पे ले जाके एक बार टीबी की जांच करा लीजिए, फिर बताइए एक बार। ठीक है बेटा जी, हम एक बार उनका टीबी का जांच करा के फिर आपको बताते हैं। बहुत दिनों से खांसी आ रही थी तो आ गई डॉक्टर साहब के पास में दिखाने के लिए। अरे क्या हुआ आप लोगों को? अरे डॉक्टर साहब 20 दिन से खांसी और बुखार है, देखिए बलगम उलगम में तो खून भी आ रहा है। अच्छा तो रात में कोई पसीना वसीना भी आता है क्या? हाँ रात में बहुत पसीना आता है। और ये बताइए कि वजन में कुछ कमी आई है? अरे देखिए कपड़ा वपड़ा पूरा ढीला हो गया पहले से, दुबरा गए एकदम। तो आप लोग एक काम करिए, हम आप लोगों के एक बलगम की जांच लिखे दे रहे हैं और एक आपके सीने का एक्सरे करवा दीजिए, और फिर बताइए आगे हमको। ठीक है जी डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब ये तो बड़ा महंगा जांच लग रहा है, बहुत गरीब आदमी माई बाप कहाँ से करा पाएंगे? भैया ये सारी जांच सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है, जांच क्या इनकी दवाइयाँ भी मुफ्त है। आप बगल में डॉट सेंटर है जी डॉक्टर, वहाँ जाकर जांच करवा लीजिए, फिर सब मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त है, सरकार की सुविधा ये। जी माई बाप, जी माई बाप। देखिए कि आप लोगों की रिपोर्ट में पता चला है कि आप दोनों को टीबी है, और आप ये बताइए कि आपके आसपास किसी को कभी टीबी हुआ है क्या? जी डॉक्टर साहब, तो हमारे चाचा के जो भाई हैं उनको टीबी हुआ था। तो देखिए ऐसा है कि ये जो टीबी है अगर किसी आदमी को हुई है तो या उससे फैल सकती है। जी डॉक्टर साहब, उसके खांसने से, उसके छींकने से या उसके इधर उधर थूकने से भी ये टीबी फैल सकती है, इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि खांसते वक्त हमेशा रुमाल का इस्तेमाल करें और दूसरों के आसपास बहुत मत जाएं। अगर भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो मास्क पहन कर रहें। अगर पब्लिक प्लेस पे खांसते हैं तो हमेशा ऐसे करके खांसी है, ठीक है? और हम आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास आपके जानकारी में कोई ऐसा आदमी है जिसको 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है और उसको रात में पसीना आता है, बुखार आता है और उसके वजन में कमी हो रही है, और कभी बलगम में अगर उसे खून आया है, तो आप उस आदमी को टीबी की जांच के लिए जरूर भेजें। जी आपके लिए भी सुरक्षित है और आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद है। जी मैं, और ये जो जांच है ना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है, और दवाइयां भी फ्री है, सब मुफ्त है डॉक्टर साहब। सब मुफ्त है और हमने आपकी दवाइयां लिख दी हैं, ये डॉट सेंटर यहीं पे है, जाइए और फ्री में दवा लीजिए।
बड़ी मेहरबानी है। डॉक्टर साहब ये दवाई दे दीजिए। ये लीजिए, ये आपकी एक महीने की दवा है, इसको आपको पूरे एक महीने खाएंगे और उसके बाद से अगर अगले महीने आप यहाँ दवा लेने आ सकते हैं, और अगर आपको यहाँ दवा लेने नहीं आ पा रहे हैं तो आप देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो वहाँ के डॉट सेंटर पे आपको ये दवा मुफ्त मिल जाएगी जी। और आपको ये 6 महीने तक दवा लगातार चलानी है, बीच में आपको दवा बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। कुछ भी अगर बीच में अगर दवा रोकते हैं तो उसके लिए फिर से दोबारा चालू करना पड़ेगा और लंबा कोर्स चलेगा फिर से। और हर आपको अपने खान पान पे अच्छे से ध्यान रखना है, और इसके लिए सरकार आपको हर महीने 500 रूपये भी देगी। सरकार 500 रूपये देगी जी? हाँ जी, आपके अकाउंट में सीधे 500 रूपये भी देगी। पिताजी आपका दवाई खत्म हो गया है, जाके डॉट सेंटर से लेके आइए। हाँ बेटी, हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर साहब ने अच्छा हुआ याद दिला दी। डॉक्टर साहब ने बोला था कि 6 महीने पूरा दवाई खाना है। हाँ जा रहे जा रहे, ठीक है पिताजी। अरे बाबूजी जाओ डॉट सेंटर से अपनी टीवी वाली दवा ले लो जो खत्म हो गई है। अरे बेटा अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब क्या ही आवश्यकता है दवा की। अरे चाचा अकेले अकेले चना तोड़ रहे हो? अरे लो बेटा लो लो, तुम भी खाओ। लीजिए सरपंच जी, आप भी लीजिए, खाइए खाइए, आप तो बिल्कुल फिट लग रहे हैं। सुना आपका टीवी ठीक हो गया? अरे देख नहीं रहे, एकदम बिल्कुल एकदम ठीक हो गया। अरे देखिए बिल्कुल ठीक है, आप तो गलत बोल रहे थे। टीवी का इलाज पूरी तरह संभव है, ऐसा हमसे डॉक्टर साहब बोले हैं। बस जरूरत है तो दवा का पूरा कोर्स ईमानदारी के साथ करने की। और डॉक्टर साहब ये भी बोले हैं कि दवाई आधे पे छोड़ने पे और या तो इलाज न कराने पे ये और घातक हो सकता है। ये दिमाग में, हड्डी में, बच्चेदानी में तो फैल सकता है। इट्स टाइम टू इन टीबी, पूरा कोर्स पक्का इलाज।